हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल हर हर महादेव जय श्री महाकाल। अभी हम लोग कन्याकुमारी में और कल नाइट को हम लोग पहुंच गए थे। अभी हम लोग निकल रहे हैं कन्याकुमारी में जो मेन है वहां का मेमोरियल वगैरह देखने के लिए। तो चलिए निकलते हैं यहां से। और गर्मी काफ़ी है यहां पर, तो मैंने सिर्फ हेलमेट लिया है और नॉर्मल टी शर्ट डाल ली है और भैया भी ले लिए। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो पैंथर और ये हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पर ना देखो इतनी गर्मी है यहाँ पर। अभी कश्मीर में इतनी ठंड थी, एमपी में भी ठंड है, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है। चलो यहाँ से हमको शायद इधर लेना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो कन्याकुमारी। ओ भाई, ओ क्या नज़ारा, क्या नज़ारा है। आपको शायद अभी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हमको जाना नीचे बीच साइड। वाह, बाइक हमको नीचे तक लेके जानी है। ये देखो, ये गांधी मेमोरियल बना हुआ है, महात्मा गांधी। हम लोग ट्राई करेंगे बाइक नीचे ले जाने का। कैसी लहरें उठ रही, देखो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। और यहाँ कन्याकुमारी में तीन महासागर का मिलन होता है, संगम है यहाँ पर। और हम लोग बीच तरफ जा रहे हैं अभी। ओ ऑसम, फाइनली 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 गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं कन्याकुमारी। ओ भाई भाई, फाइनली फाइनली भाई, कितने देखो पानी उधर का ब्लैक है, आगे का तीन पानी अलग दिख रहा है। दिखा उधर ब्लैक है, इधर ग्रीन है। और चारों तरफ का विजय नो, कितने की, हाउ मच, बड़ा 100 छोटा 50। अभी रुक, अभी करेंगे, रुको भाई, सब टेंशन दूर हो गई रात भर की। बाइक से लगाते हैं, फोटो के लिए नीचे जाने देंगे नहीं जाने देंगे बाइक को? हाँ भाई, वहाँ चलो चलो। फाइनली मैंने कर दिखाया। और यहां से फोटो बनेगी, मजा आने वाला है। अब पैंथर पैंथर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, लास्ट डेस्टिनेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो, या श्योर श्योर श्योर। कश्मीर टू कन्याकुमारी प्लस 12 ज्योतिर्लिंग, स्टार्ट फ्रॉम रामेश्वरम। वेयर आर फ्रॉम? ओके ओके, आंध्र प्रदेश। ओके ओके, लास्ट डेस्टिनेशन, यस यस बाइक, कश्मीर टू कन्याकुमारी। 1 month कंप्लीट टुडे आई थिंक। 1 month आई थिंक टोटल माय डिस्टेंस प्लस 12 ज्योतिर्लिंग 15,000 ओनली। जॉइन मी हैदराबाद, हैदराबाद मैसूर। भैया ये भैया वाले मिल गए, भैया वाले मिल गए, भैया के दोस्त मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको पेन के रखू, निकाल दो पेन के रखू ना। आया
और ये हमारे फोटो छोड़ा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रो। और देख सकते हो हम लोग फाइनली आ चुके हैं, थैंक यू सो मच पेंथर। सब लोग हमको देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो है लास्ट डेस्टिनेशन है ना यहाँ पर। उज्जैन एमपी तेरा, आप कहाँ से हो, कहाँ से हो? 05 कहाँ से, कहाँ से? होशंगाबाद। बढ़िया बढ़िया, नाइस टू मीट यू। ये लिखा देखो साइड में, ड्रीमर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे भी सर्च करना, ठीक है? ये आईडी है। हाँ उज्जैन, हाँ देखा है। कौन सी बाइक में देखा, कौन सी वीडियो में देखा है? शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स में देखा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। आप लोग कब से आए हो? परसों तरसों दिन। नाइस भाई, बहुत बहुत प्यारा व्यू, अलग फन है, मजा आ रहा है। और ये देखो इधर वार्तालाप चल रही भैया की, इधर सिक्योरिटी गार्ड भी हमको देख रहे हैं अभी, बाइक कहाँ की है क्या है। तो अभी हम लोगों को जाना वहाँ बोट में बैठ के, ये मेन चीज है। बोटिंग किया उसके बाद में फिर इकट्ठा करके फिर निकला हूँ, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं निकल रहा हूँ। मैं फोन फोन से शूट करता हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कल नाइट में हम लोग 2 बजे पहुंचे यहाँ पर पूरी एकदम। हाँ आज आज रामेश्वरम जाना है, अभी यहाँ से देख के वहाँ भी जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब माई चैनल, ओके ओके। और वो इंस्टाग्राम पे आप फोटो लिए ना, मुझे इस पर टैग कर देना, यही यही है ड्रीमर अभी, टैग कर देना, मैं मेंशन रख दूंगा। तो भाई मज़ा आ चुका है, और बहुत अप्रिशिएट मिल रहा है सभी तरफ से, सभी लोग देख रहे हैं हमारी बाइक को, फोटोज ले रहे हैं। अब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, यहाँ पर आगे ना गर्मी भी नहीं लग रही है, और तुम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो यहाँ पर ना 3 सागरों का मिलन होता है, 3 महासागर मिलते हैं यहाँ पर, मतलब 3 समुद्र मिलते हैं मान के चलो, और वो अलग ही दिखते हैं। देखो इधर से उधर से देखो कितने बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। और यहाँ पर है विवेकानंद मेमोरियल, और ये साइड में और कुछ बन रहा है, अंकल जी देख रहे हैं। देखो इधर फोटो, इधर फोटो फोटो ले रहे हैं। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं सिटी के, और ये हमारी आज की थाली है, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन थाली, साउथ इंडियन थाली, और 120 की है ये। इसमें देखो 4 सब्जी थी हम लोगों को, पता नहीं क्या 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 चीजें हैं। हाँ ये कोकोनट चटनी है, खोपरे की, कोकोनट खोपरा, हाँ कोकोनट थोड़ा स्पाइसी वाला है। हाँ और ये कुछ मिक्स वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल है, सांबर है, ओके, और सांबर है, सांबर दे रहे लोग। अभी इधर डालेगा, बस बस बस, अदर सांबर दाल, हाँ हाँ ले लो ले लो और ले लो, हाँ हाँ हाँ, इधर 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 देखो, इधर क्या सांबर, सांबर है, कट का है, कट अच्छा है, कट की। चलो ये हम लोग खाते फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं कन्याकुमारी से, और ये जो रूट है हमने आते टाइम कवर नहीं किया तो आप लोगों को नहीं पता होगा, निकलते निकलते काफी टाइम हो गया, क्योंकि कल हम लोग यहाँ जब पहुंचे ना तो रूम काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर, 2000-3000, मतलब 2000 तो छोड़ी दो, 3000-4000 से स्टार्टिंग थी। तो हमें मुश्किल से सिर्फ एक रूम मिला, हमने काफ़ी सारे 15 से 20 मैंने होटल से देखे, लेकिन नहीं कहीं भी नहीं रूम मिले, सारे फुल थे, क्योंकि सीज़न अभी है ना। और देखो अभी जनवरी का टाइम है, मतलब अभी जनवरी आने वाली है, और दिसंबर में कितनी ठंड रहती है, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है ना कि पूछो मत, इतनी गर्मी है। और यहाँ पर अभी होटल वगैरह काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं हैं यहाँ पर। तो अभी हम आज हम लोग जाएंगे रामेश्वरम, और ये देख सकते हो आप कन्याकुमारी में भी पहाड़ है।
हम लोगों ने सभी स्टेट के ऑलमोस्ट पहाड़ शायद देखे ही है, और ये कन्याकुमारी का सामने स्टेट जो दिख रहा है। कन्याकुमारी की खूबसूरती, भाई साहब पहाड़ तो देखो यहाँ पर, मतलब अलग ही लेवल के पहाड़ है नहीं। और ये देखो यहाँ कितने सारे लगे हुए हैं, पवन चक्की बोलते हैं ना इनको। ये यहाँ पर देखो कितनी सारी है, ये इससे लाइट्स वगैरह बनती है, ये अपने आप हवा में चलता है और इसके थ्रू लाइट्स बनती है, बिजली बिजली उत्पादन बोल सकते हैं इसे। ये देखो मदुराई वगैरह कन्याकुमारी स्टेट, हम लोग लेफ्ट जाएंगे मदुराई साइड, लिखा है थैंक यू। हम लोग है तिरुनेल वैली, अरे बाइक सर्विसिंग मांग रहे, सर्विसिंग क्योंकि गाड़ी खींच रहा हूँ ना तो थ्रोटल आ जा रहा है, धीरे से स्पीड आ रही है, ऐसा नाइट से कर रही थी, नाइट में भी थोड़ी स्पीड कम हो जा रही थी, देखना ये। और अब हम कन्याकुमारी का टोल टैक्स क्रॉस कर चुके हैं, और ना बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो गाड़ी स्पीड रेस खींच रहा हूँ ना तो वो खींच नहीं पा रहा हूँ, तो गाड़ी लोड नहीं रह पा रही है। पानी चाहिए ना, इसमें नहीं है, अपन कहीं लेते हैं रुक के, हाँ कहीं लेते। तो यहाँ से हमने भी चाय वगैरह पी ली है दुर्गा टी स्टॉल, और गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सामने R15 KTM MT बाइक्स वगैरह खड़ी है। थैंक यू सो मच। तो ऐसे हम लोग निकलते हैं, निकले तो गाड़ी में ना स्पीड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, देखो ज़्यादा स्पीड खींच रहा हूँ ना तो गाड़ी, मतलब जैसे स्पीड भगाने के लिए अगर गाड़ी स्पीड कर रहा, गाड़ी की जैसे रेस खींच रहा हूँ ना तो धीरे से पिकअप बन रहा, धीरे से आगे जा रही है, धीरे से पिकअप बन रहा है, तो उसको करवाएंगे। और सोच रहा हूँ कि रामेश्वरम तक तो चले जाता हूँ, वहीं पर करवाऊँगा, देखते हैं, क्योंकि अभी रामेश्वरम है यहाँ से 250 मतलब 250 किलोमीटर है। तो हम लोग आ चुके हैं त्रिनेवली, और त्रिनेवली से हम लोग राइट लेंगे, ये क्या है तिरुचेंदर के लिए राइट में। क्या बता रहे हो, यामा का? अच्छा पकड़ो, पलटाओ पलटाओ। थैंक गॉड, मेरी किस्मत पता हर टाइम अच्छी रहती है, कुछ ना कुछ। मैम सर्विस सेंटर, यामा सर्विस सेंटर बैक बोल रहे पीछे है।
तो अभी भैया चेक करने के लिए लेके जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और अभी लगेज वगैरह वैसे ही लगा हुआ गाड़ी में, निकाला नहीं। और जल्दी हो जाए, या तो फिर अगर सर्विसिंग रहेगी ना तो मैं पूरी सर्विसिंग यहीं करवा दूंगा। तो देखो अभी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारा जो क्लच प्लेट है ना, इसका वायर नहीं चेंज हुआ था, क्योंकि गाड़ी में लाने से पहले मैंने क्लच प्लेट और क्या बोलते चेनिस पैकेट वगैरह में सारा कुछ चेंज करवाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो क्लच प्लेट का जो वायर है ना, वो वायर ढीला हो रहा है, मतलब ढीला क्या हो गया, पुराना हो गया है वो। तो बोले कि अगली बार, अभी तो उन्होंने कर दिया, तो थैंक यू सो मच। अभी तो उन्होंने कर दिया, नेक्स्ट टाइम ये बोल रहे कि क्लच प्लेट का वायर बदला लेना। तो अभी 1000 और बची है, फिर हम लोग सर्विसिंग करवाएंगे। तो चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। थैंक यू ब्रो। पता है मैं अच्छे मेरे मतलब देखो लाइट कितनी है, और मैं बहुत अच्छे से बाइक चला रहा था, मतलब अच्छे चल रही है अभी, 70-80 चला रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। तो पता अभी एकदम से एक डॉग सामने आया, और जैसे ही मतलब पता नहीं कैसे उछल के आया सामने से, मैंने ब्रेक लगाया और मेरे पीछे जस्ट भाई चल रहे थे, तो मैंने उनको हाथ दिया कि धीरे धीरे धीरे, तो उन्होंने एकदम कंट्रोल किया। बिल्कुल तो भाई ध्यान रखना चाहिए। और फाइनली हम लोग लग चुके हैं हाईवे पे। तो हम लोग लग चुके हैं फाइनली NH 38 पे, नेशनल हाईवे 38। ये रूट पता, इनके मुझे नाम भी नहीं पता थे, बस NH 44 और NH ऐसा, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अभी जब ये रोड घूम रहा हूँ ना, तो मुझे गूगल भैया सब बता रहे हैं, ये NH 40, श्रीनगर से जो रोड आता है श्रीनगर वाला, वो है NH 05। तो अभी हम लोगों ने एक यहाँ से राइट टर्न लिया है, क्योंकि जो NH 38 था वो देखो ये निकल गया सीधा, ठीक है। और ये जो यहाँ से हम लोग लिया है, क्या नाम इसका गांव का, तो कुछ नाम तो नहीं आ रहा, क्या नाम है भाई गांव का, टट्टूगुड़ी। टट्टूगुड़ी से देखो हमने लिया है, तो यहाँ से 88 किलोमीटर है। और ये खूबसूरत आसपास, और इस सिंगल रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर ना, हमारे जो राइट साइड ना, बस 2-3 किलोमीटर पे समुद्र है, लोग उसके पास पास चल रहे हैं कोने कोने पे, और ये पूरा खेत है। हमारी लाइट बहुत अच्छी है जो हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। क्या रूट है भाई, अमेजिंग। बहुत मज़ा आ रहा है इस रूट पे, बहुत मज़ा आ रहा है। हिंदुस्तान में इतने खूबसूरत खूबसूरत रोड है। ये देखो यू टर्न। और मैं बता दूं कि जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं ना, उस पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही है, मतलब ये कन्याकुमारी से रामेश्वरम वाला रूट है, वो देखो ट्राले भी चल रहे, गाड़ी भी चल रही है, तो हम अकेले नहीं चल रहे हैं, बहुत गाड़ियाँ है इस रूट पे। और देखो हम लोग किस कोने पे है, दिखाता हूँ, हम ये कोने पे देखो, बैक, ये इंडिया के इस कोने पे। और कैसे कैसे लोग हैं यार, वो आगे पीछे भाग रहा, वो मैं बोलू आज ये बंदा गया। हाँ पैर चले जाता उसका। अरे अभी जैसे डिवाइडर क्रॉस किया ना, मतलब कोई भी नहीं था, वो इतना बड़ा आदमी दौड़ के निकला, आगे पीछे हो रहा, तो मैंने अगला ब्रेक पूरा दबा दिया। तो अपनी बाइक का जो है ना टायर मैंने चेंज करवा दिया, बहुत अच्छा करा, एकदम से ब्रेक पूरा दबा दिया। ये देखो यहाँ पर लिखा है एयरवड़ी दरगाह। अभी वहाँ एक भैया बैठे थे, उनसे हमने पूछा, तो हम लोग एयरवड़ी में आ चुके हैं, और उन्होंने कहा आगे जंक्शन है, वहाँ से राइट लेना, तो अंदर दरगाह है 1 किलोमीटर, और वहाँ आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। ये
देखो एयर वरी दड़का तो इसलिए हम लोग भी यहाँ रुक रहे हैं। और यहाँ से तो मैं आगे की बात बाद में बताता हूँ। तो अभी हम लोग इसके 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे, यहाँ पर बहुत ही फेमस दरगाह है इसलिए यहाँ पर रूम वगैरह मिल जाएंगे। तो यहीं पर है, देखो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत फेमस दरगाह है यहाँ पर। तो हम लोग भी अभी यहीं पे कहीं पे रूम देखते हैं। इसको देखो कैसे देख रही है, उसको लग रहा कोई दूसरी चीज खड़ी है, पैर तो घुस गई। अरे बिल्ली काटे नहीं काटे ना, नाइस। ये क्या बिना दिया गले में, मनी बिना दिया उसको, ढीला है ना, लूज लूज है ना, लूज है ना, टाइट नहीं है ना। ओके ओके हाँ नाइस। ओके ओके सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग है रामेश्वरम से 80 किलोमीटर पहले, यहाँ से 80 किलोमीटर रामेश्वरम पड़ता है और यहाँ पर हमने रूम ले लिया था। यहाँ पर रूम लेने का रीज़न ये था कि वहाँ पर काफ़ी महंगे रूम है और महंगे तो का रूम मिल ही नहीं रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ कन्याकुमारी में हुआ था, इसलिए हमने यहाँ रूम ले लिया। अब यहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो इस कल ब्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था तो अब कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग दर्शन करेंगे फर्स्ट ज्योतिर्लिंग के, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।